सब जॉइंटली करेंगे भाई, सबको करेंगे। अब रुको, हम इधर पर सीधा आए, सब लोग आ जाओ, सब आ जाओ, जॉइंटली करेंगे, सब एक साथ हो जाएंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि शिवा को बाहर निकाल लिया गया, और उससे भी बड़ी और अच्छी खबर यह है कि बच्चा पूरी तरीके से सुरक्षित है और बिना देर किए उसे SN मेडिकल कॉलेज रवाना कर दिया गया है। ये अपना पूरा ये जॉइंट ऑपरेशन का सक्सेस है। हमारा NDRF का टीम, हमारा आर्मी का पारा ब्रिगेड का टीम, हमारा लोकल पुलिस का टीम, तीनों टीम का जॉइंटली उन्होंने अच्छा मेहनत किया है, इसलिए इतना अच्छा सफल हुआ है। बच्चे सब कुशल हम लोग ने रिकवरी करा दिया है, इसके लिए पूरा टीम का मैं बधाई देता हूँ, आभारी हूँ। प्लान पर बच्चे एकदम बिल्कुल ठीक है, डॉक्टर साहब ने चेक किया, उनका पल्स वगैरह हर चीज़ बहुत नॉर्मल है। अब हम एक बार हॉस्पिटल ले जाके एम्बुलेंस में हम लोग सर, प्लान ए और प्लान बी, दो प्लानों पे आप काम कर रहे थे, प्लान ए ही सक्सेसफुल हो गया सर, क्या है प्लान ए जिसपे आपने काम किया था? देखिए ऐसा है, हम लोग प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी तीनों प्लान लेकर के चले हुए थे। हाँ, डेफिनेटली हमारा प्लान ए ही सक्सेस हो गया। ये एक टिपिकल अप्रोच थी जिसमें हमने एक रस्से के थ्रू लूप लगा करके बच्चे के हाथ को एंकर किया, और फिर हमने उसको ऑक्सीजन सप्लाई साथ में देते हुए कैमरे की पोजीशनिंग के अंदर लिफ्ट करके ऊपर निकाला है। बहुत मुश्किल प्रोसीजर था, इसके अंदर बच्चे के नेक को, बच्चे के हेड को, उसके शोल्डर को या हाथ को तकलीफ हो सकती थी, बट थैंक्स टू टीम बहुत सेफली उन्होंने उसको बाहर निकाल लिया। जी देखिए, अभी तकरीबन हम लोग यहाँ पे 1 बजे से लगातार लगे हुए हैं इस फर्स्ट अप्रोच के लिए, और इसको हमको इनिशिएट करने में इनिशियली तकरीबन 1.25 घंटा उसमें लगा, जब तक कि हमने उसके हाथ को एंकर किया, और उसके बाद से इसका लिफ्टिंग के अंदर अब 5 बज चुके हैं। आप कैलकुलेट कर सकते हैं तकरीबन पूरे ऑपरेशन में 4 घंटे का टाइम हमारा लग गया। आप आर्मी से हमारे साथ हैं, मतलब क्या बताइए। सुबह हम लोग को इन्फॉर्मेशन लगभग 8 बजे हमको इन्फॉर्मेशन आई, और उसके बाद इनिशियली हम लोग यहाँ पहुँचे, तब तक NDRF की टीम गाज़ियाबाद से मूव हुई, तब तक यहाँ पे हमने पूरा एरिया वगैरह रेकी करके और सिचुएशन को असर्टेन किया, और उसके बाद हमारी टीम्स ने, हमारी NDRF टीम एंड SSP आगरा सब ने मिल के हमने वहाँ पे 2-way कैमरा डाला, कम्युनिकेशन को देखते हुए बहुत क्रिटिकली उस बोरवेल से बच्चे को लूप बना के उसके हाथ में फंसाया और धीरे धीरे करके उसको निकाला। सिचुएशन बहुत क्रिटिकल थी, अगर थोड़ी सी भी गलती होती उसके सर पे मिट्टी केबिन हो जाती और वो शायद नहीं बच पाता। मैम ऑक्सीजन के लिए इनिशियली सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से ऑक्सीजन सिलेंडर आ गए थे, और वहाँ से 100 फीट नीचे पाइप डाल के ऑक्सीजन सप्लाई मेंटेन किया गया, कंटिन्यूसली इसको मॉनिटर किया गया, और साथ ही यही नहीं, जो डॉक्टर्स हमारे आर्मी से आए थे, हमारे डॉक्टर्स ने ORS मिक्स करके पाइप के थ्रू बच्चे को सप्लाई करते रहे, जिसके कारण बच्चे में एनर्जी रही, वो रिस्पॉन्ड करता रहा हमारी कॉल्स को, और उसने भी उतना किया 4 साल बच्चे ने। बच्चे में कौन घबरा रहा था, लेकिन क्योंकि हम लोग कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश कर सके, हमारा ऑडियो वीडियो फीड कंटिन्यूस था, इसके कारण बच्चा हमारे से कम्युनिकेट करता रहा, और ये सबसे बड़ा रीजन है उस कम्युनिकेशन के कारण, उस हेल्प के कारण कि हमने मिलके जॉइंट एफर्ट में उस बच्चे को निकाल पाए हम। सबसे बड़ा चैलेंज था ये डिसीजन लेना कि क्या हम इस ऑप्शन को एक्सप्लोर करें कि नहीं। तो देखिए, 3 प्लान पर काम हुआ। प्लान ए ये था कि जो पारंपरिक तरीका है कि उसको रस्सी से उसके हाथ को बांध कर खींचा जाए, लेकिन सुना आपने उसमें खतरा ये था कि अगर मिट्टी गिरती ऊपर तो उसको फिर बचा पाना मुश्किल हो जाता। प्लान बी ये था कि 180 फीट की दूरी से खुदाई शुरू हो गई थी 45 डिग्री के एंगल पर, वहाँ पर होता। प्लान सी क्या था इसके बारे में बात पूरी नहीं हो पाई, लेकिन 9.5 घंटे के बाद शिवा को बाहर निकाल लिया गया है। 130 फीट का ये बोरवेल था और लगभग 90 से 100 फीट की दूरी में बच्चा फंसा हुआ था, 4 साल इसकी उम्र थी। सबसे सकारात्मक बात ये हुई कि बच्चा रिस्पॉन्ड करता रहा, जो परिजन थे वो